हेलो एंड व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत सी हो गए एंड यार अपन 3K सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज भी हैं, तो सब्सक्राइब यार कर देना। एंड ये वीडियो आज के दिन की दूसरी वीडियो होने वाली है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। तो बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। एंड काफी सारे यार ये रूमर्स आ रहे हैं कि स्काउट जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं 7C ई-स्पोर्ट्स को, एंड साथ में स्काउट हमें देखते हुए मिल सकते हैं PMWI में 7C ई-स्पोर्ट्स के साथ में खेलते हुए भी। तो इसी के बारे में स्काउट भाई ने कुछ हिंट वगैरह दिया था एंड साथ में रॉक्स भाई ने एक्सप्लेन भी किया था कि क्या ज्वाइन कर सकते हैं स्काउट 7C ई-स्पोर्ट्स। तो देखो उन्होंने क्या कुछ कहा। सात समुंदर वाली गेम खेलेंगे आज। समटाइम्स इंटरनेशनल इवेंट कांट अवॉइड मी, समटाइम्स इंटरनेशनल इवेंट कांट अवॉइड मी माय फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू। अरे कुछ नहीं यार, तुम खुश हो जा रहे हो। नहीं पैसा कुछ नहीं, मैं और थक जा रहा है ऐसे घूमने। 7C स्काउट क्या सीन है? मैंने आई थिंक कल को शायद स्काउट का कल का स्ट्रीम था, 2:35 कोई टाइमलाइन था, वहां पे ही वाज टॉकिंग, हो सकता है ज्वाइन कर सके। आई थिंक उनके पास कितने प्लेयर हैं, 4-5, क्यों लेके जाएंगे? उनका उनका जो करेंट लाइनअप है इट्स गुड। एस्टर एक्स क्या भाई? एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के ओनर ऋषि भाई के बारे में। अब ऋषि भाई जब लाइव आए थे तो उनसे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या BMSD के लास्ट वाले मैच में सोल एंड गॉडल ने टीम अप करके गॉडल को मारा था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इसके ऊपर में, वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। Some fans saying GE or Soul team up for killing Godlike. देखो honestly speaking, अगर कुछ गलत हुआ होता the officials would have taken action both ways, bathroom में भी अगर कुछ हुआ होता and उसके बाद भी अगर कुछ हुआ होता। I'm just saying अगर किसी को लगता है कुछ गलत हो रहा है तो involve the officials and they will do whatever checks they have to, they will do whatever investigation they have to. Because teaming up is not allowed. हाँ, इतना मैं कह सकता हूं जो हमने किया है दिल से, हक से, एंड विच आई विल नेवर टेल माई बॉयज नॉट टू, इस मौके का फायदा उठाए। So, that's all. I'm just saying. एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक्स न्यूज के बारे में। तो अगेन यार बात कर लेते हैं ऋषि भाई के बारे में। अब ऋषि भाई जब लाइव आए तो उन्होंने बात किया गॉडल और INS के टीम अप के बारे में, एंड साथ में वो जो बाथरूम के रिकॉर्डिंग के बारे में बात हो रही थी उसके ही बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, तो वो तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ब्रो सिड ने बोला गॉडलाइक INS टीम अप अगर कोई प्रूफ नहीं दिया तो गॉडलाइक एक्शन कैसे सोल के अगेंस्ट डिफेमिंग का। देखो डिफेमिंग एंड ऑल का नहीं पता, डिफेमिंग का अगर शुरू हो गया ई स्पोर्ट्स में तो बहुत लोगों का कटने वाला है, बिकॉज यहां लोग सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं बाद में कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्शन का सोचते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली डेफेमेशन का मैं कुछ बोल नहीं सकता। अगर हम US, यूरोप या कोई और कंट्री में होते तो अलग बात है, यहां स्पेशली ई स्पोर्ट्स में डेफेमेशन के तो 10 केस रोज होते हैं। यहाँ चैट में ही अभी 15-20 केस तो डेफेमेशन के ऐसे ही हो गए होंगे। सोशल पर नहीं बोलना चाहिए, प्रोवाइडेड टू ऑफिशियल। लुक आई एम श्योर ऑफिशियल्स आर आल्सो डूइंग व्हाटएवर रिक्वायर्ड, लाइक द सेम वे जब आप लोग बोल रहे थे जब GE हैक कर रही थी कि ऑफिशियल्स शुड गेट इन्वॉल्व। ऑफिशियल्स पूरा टाइम इन्वॉल्व थे, ऑफिशियल्स को सारा POV जा रहा था, ऑफिशियल्स को सारा हैंड कैम जा रहा था, दे हैड चेक्ड एवरीथिंग, इसीलिए दे डिडंट से एनीथिंग। लुक एक चीज आप लोग को समझनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज समवन इज क्वाइट या डजंट से समथिंग डजंट मेक देम गिल्टी बाय डिफॉल्ट। ये गलत माइंडसेट है कि अगर चुप है या कुछ बोल नहीं रहे तो बाय डिफॉल्ट गलत है, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। लाइक ऐसा नहीं होता है, जस्ट बिकॉज चुप बैठे हैं कुड ऑल्सो मीन दैट दे नो अ लिटिल मोर देन व्हाट समवन एल्स डज। एंड ये जो सब बाथरूम का चल रहा है, अगर ऐसा ही चलते गया तो अगले लाइन से CCTV लगा देंगे लोग बाथरूम में। यार क्या कर रहे हो, मत करो, लाइक ये तो स्पैम मत करो। Nowadays we don't understand who is telling the truth, किसी को बिलीव मत करो, मुझे मत बिलीव करो, उनको किसी को बिलीव मत करो, किसी के भी स्टेटमेंट, आई एम नॉट इवन गोइंग टू से जस्टिफिकेशन बिकॉज एट दिस पॉइंट स्टेटमेंट लगता है, किसी के भी स्टेटमेंट में आकर अननेसेसरली डोंट फॉल फॉर इट, लाइक इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट, इट्स रियली नॉट वर्थ इट। लाइक मेरी भी बात मत मानो, उनकी भी बात मानो, थिंक फॉर योरसेल्फ्स। आप लोग अभी स्मार्ट इनफ हो समझने के लिए कि कौन सही है, कौन गलत, कौन क्या कर रहा है और कौन क्यों कर रहा है, किसका मोटिव क्या है। आई ऑलवेज से आस्क द क्वेश्चन व्हाई, ऑलवेज आस्क व्हाई, दैट यूजुअली गिव्स यू द आंसर।
कीप आस्किंग व्हाई, आपको ट्रेस मिल जाएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। तो बात कर लेते हैं रॉक्स भाई के बारे में। अब रॉक्स भाई जब लाइव आया था तो उन्होंने बात किया कि गॉडल एंड आईएनएस की जो बाथरूम में रिकॉर्डिंग वगैरह बंदे ने कर ली थी उसी के बारे में, एंड जो सिड भाई ने बोला था एंड जो भी एलिगेशन लगाया था उसके बारे में भी रॉक्स भाई ने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सिड को लाइव पर विदाउट प्रूफ नहीं बोलना चाहिए था, व्हाट डू यू थिंक? रुक जाओ, जो तुम क्लिप की बात कर रहे हो कि अगर सिड के पास कोई रिकॉर्डिंग है भी या नहीं है, तो जो बाथरूम का जो भी सीन है, मेरे को ये नहीं पता कि इफ ही हैज रिकॉर्डिंग जो बातचीत कॉन्वर्सेशन हुई है जिन टीम्स के बारे में ही हैज क्लेम्ड, उसकी कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्डिंग है या नहीं है ये नहीं पता। बट मैंने खुद सुना है किसी और प्लेयर को जो उधर प्रेजेंट था कन्फेस करते हुए, राइट, रिकॉर्डिंग मेरे पास है ये रही, मतलब ये ऐसी एक रिकॉर्डिंग है, रुको, बट वही है, आई कांट प्ले इट हियर क्योंकि द प्रॉब्लम इज जो प्लेयर ने ये सारा सुनते देखा है ही इज अंडर किसी और के कॉन्ट्रैक्ट में एंड ही डजंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो ये तो इतना मेरे को मालूम है। अब एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग है नहीं है वो तो भेज सिड को, अब भाई मैं सिड को क्या भेजूं, उनके पास है प्ले, अरे यहाँ प्ले नहीं कर सकता हूँ भाई, प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो प्लेयर है, आप मेरी बात सुनो, लेट्स से जो प्लेयर था जिसने सुना था या जो भी सारा कुछ, ठीक है, उस प्लेयर ने आके इन लोग को इन्फॉर्म करा, एडमिट करा, कन्फेस करा एंड ही डजंट पार्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, मेरे को जितना मेरे को मालूम है। अब मेरे पास है बट भाई जब मैं तो क्लेम नहीं कर रहा हूँ ना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं यार घातक भाई एंड ऋषि भाई के बारे में। अब ऋषि भाई जब लाइव आए थे तो उन्होंने बताया कि घातक भाई ने उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट जो है वो BGMS जीत गई थी, एंड बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। घातक, नॉट फॉलोइंग यू, यस ही अनफॉलोड मी आफ्टर वी वन द प्रीवियस लैन, जब हम BGMI मास्टर सीरीज जीते थे जो स्टार स्पोर्ट्स पे टेलीविज हो रहा था, वो जीतने के बाद ही हैड अनफॉलोड। इन वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं यार RE स्पोर्ट्स के बारे में, एंड ये वाली न्यूज़ एक लीक है तो ये कन्फर्म हो सकती है एंड नहीं भी, तो यार होपफुली हमें देखने को मिल सकता है कि जो RE स्पोर्ट्स है वो हमें नेक्स्ट लैन इवेंट जो भी हो उसमें एक न्यू टीम में खेलते हुए दिखे उनके प्लेयर्स। तो लेट्स यार ये एक लीक है और कन्फर्म हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। इन वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो बात कर लेते हैं सरदार जी के बारे में। अब सरदार जी जब लाइव आए थे तो उनके चैट सेक्शन में कुछ बंदे जो है हेट वगैरह फैला रहे थे और ये बोल रहे थे कि टीम सोल जो है वो PMWI का स्लॉट उनका वेस्ट है, साथ में वो डिजर्व भी नहीं करती PMWI के स्लॉट को, एंड इसके ऊपर ने सरदार जी ने बहुत ही खतरनाक टाइप से रिप्लाई किया था, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। सवाइना, एकदम ध्यान सवाइना, तुमने बोला सोल PMWI जाएगी स्लॉट वेस्ट करेगी, ठीक है, मैं इस चीज पे एग्री करूंगा अगर तुम इस फैक्ट पे एग्री करते हो जो मैं अभी बताने वाला हूं। क्या तुम सब मानते हो सोल ने स्लॉट को अर्न किया? ये चीज मान रहे हो सारे? हां या ना लिख दो भाई, नहीं मानते हो भी लिख दो, क्या हम नहीं मानते, हम देखते ही नहीं स्पोर्ट्स, हमें लगता है कि ऐसे घर से उठा के भेज दिया जाएगा कि हाँ ठीक है सोल ने अर्न थोड़ी किया, वो बस ऐसे ही चल के, यस अरे मान रहे सोल ने अर्न किया। मैं बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है प्लीज, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्रथमेश भाई कल मैंने समझाया था, मान लो ये सुंदर कन्या जो अब भी आपको सुंदर नहीं लग रही होगी बट अब लगेगी, इसका नाक नहीं है, ठीक है, ये सुंदर कन्या प्रथमेश भाई आपकी बीवी है, ठीक है, ये सुंदर कन्या आपकी बीवी है, ठीक है, और ये है आपके घर का बेड, ऐसा ही दिखता होगा चारपाई जैसा। तो मैं आपको बस एक बेसिक चीज समझा रहा हूं प्रथमेश भाई कि अगर आप ये आप हैं, ठीक है, आपसे आपकी बीवी के साथ बेड पे अच्छे से काम हो रहा है, वेरी गुड, बट अगर नहीं काम हो रहा, ठीक है, आपसे यहां पे काम नहीं हो रहा, आपकी बीवी खुश नहीं है, देखो आपकी बीवी रो रही है, ठीक है, आपकी बीवी रो रही है, तो क्या मैं बोलूं आपने स्लॉट वेस्ट कर दिया? आप बीवी को खुश नहीं रख पा रहे, मैं बोलूंगा आपने स्लॉट वेस्ट कर दिया, हटो यहां से, हट बहन के लौड़े, मैं आता हूं, मैं करूंगा खुश, मैं आ जाऊं स्लॉट छीन लूं आपसे, मैं आ जाऊं? नहीं ना, ये आपका स्लॉट है ना, क्यों है आपका स्लॉट? क्योंकि आपने शादी की है भाई, सात फेरे लिए यहां पे, सात फेरे लिए शादी की, अर्न किया स्लॉट, अर्न किया, आज तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं आ जाऊं कि हाँ हटो, मैं करूं, मैं खेलूंगा, मैं करके दिखाऊंगा? नहीं ना, तुम बाजार जाओगे, तुम बोलोगे कि मुझे शीला जीत दो, ठीक है, तुम बाजार से शीला जीत लेके आओगे, तुम दूध पियोगे, तुम मक्खन उक्खन खाओगे कि हाँ ठीक है मैं वापस इस चीज को अर्न करूं, ना कि तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है मेरा स्लॉट तो दे दो, ऐसा नहीं होता ना ब्रो। तो बस आज के लिए इतनी न्यूज थी, न्यूज सबमिशन के लिए तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करना, नेक्स्ट डे मैं तुम्हें क्रेडिट्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।